चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर अजय कुमार प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। अगर हम 50-60 करोड़ आबादी लेते हैं, जो वर्किंग एज में 50 करोड़ ले दीजिए, तो 11 करोड़ का मतलब क्या है? 20% लोग जो खाने के लिए भी, जो उनके पास पैसे नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं नौकरी। 11.6 करोड़ लोग नौकरी मांग रहे हैं इस फकीर साहब के भारत में। उससे पहले 2020 में 13 करोड़, आत्मनिर्भर भारत में 13 करोड़, 19-20 में 9 करोड़। और शर्म की बात क्या है कि एक तो पहले तो मोदी जी और अमित, मोदी जी के खासतौर उनके ऊपर केस होनी चाहिए। क्यों बताइए? मनरेगा में कानून है कि आप काम मना नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। मिस्टर मोदी इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। मनरेगा में आपने 2021-22 में 1.89 करोड़ लोग को नौकरी आपने काम ही नहीं दिया। 11 करोड़ लोग ने काम मांगा, 11.6, आपने 2 करोड़ के आसपास 1.89 करोड़ लोग को काम ही नहीं दिया। मनरेगा क्या कहती है कि अगर आप काम नहीं देंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कानून है। तो ये पिछले 2 दिन से नेहरू जी की जो भूत सता रही है मोदी जी को, मोदी जी को याद दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब आप प्रधानमंत्री जी हैं, अपना काम कीजिए, आप अपने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड दीजिए। लगातार मनरेगा में कटौती हो रही है। 21-22 में 1,11,000 करोड़ था, अब जो है 73,000 करोड़ हो चुकी है इस साल। लेकिन देखिए, भाजपा जो है ना, खानदानी झूठ बोलने, जन्मजात झूठ बोलने वाले हैं, कंजेनिटल लायर्स। आई टेल यू व्हाई। 73,000 करोड़ का बजट है मनरेगा का इस साल का, आपने 38,000 कटौती कर दी, वो ठीक है, बहुत ही शर्मनाक है। पिछले साल का 22,000 पैसा बकाया है मजदूर को, काम करने वाला पैसा बकाया है, तो बजट कितना हुआ आप गणित कर लीजिए, 50,000 के आसपास। तो असली मनरेगा का बजट इस साल 50,000 है। जिस देश में 11-12 करोड़ लोग खाने के लिए मोहताज हैं और मांग रहे काम, उसके लिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं बताता हूं, क्योंकि वो जो 2-3 दोस्त लोग हैं, पिछले 1 साल में 30 लाख करोड़ की संपत्ति बन गई। 30 लाख करोड़ यार, मिस्टर मोदी फ्रेंड्स की संपत्ति पिछले 1 साल में 30 लाख करोड़। पूरा देश का मनरेगा बजट कितने का है? 34 लाख करोड़ टोटल बजट ऑफ इंडिया आसपास है। मेरा हो सकता है ऊपर नीचे 1-2 करोड़, लेकिन बाय एंड लार्ज इफ आई रिमेंबर, हमारा जो नंबर मुझे याद है, तो 34 लाख। तो अदानी जी ने तो, और ये इनके दोस्त लोग ने तो 1 साल में उतना कमा लिया। भारत का बजट जितना अदानी जी ने इस 1 साल में कमाया, उद्योगपति लोग ने, वो पूरा देश का बजट है। 130 करोड़ लोग का बजट, वो उद्योग अरबपति लोग का जो है, संपत्ति का जो संपत्ति में जो चढ़ाव आया है वो बराबर है। और आप बोलते हैं कि दो भारत की कहानी नहीं है, आप बोलते हो कि नेहरू जी की गलती है, आप बोलते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो ये स्थिति है इस देश की। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक ही थॉट, एक सोच के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए पहले कि यदि आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो इस देश के सबसे अमीर 5% में है। 20,000 रुपए का मतलब है डेली वेज लेबर दिल्ली में, तो आप इस देश के 5% सबसे अमीर लोग हैं। तो कोई भी आदमी इस रूम में अगर 20,000 कमा रहा होगा तो सीना चौड़ा करके जाइए, बोलेगा कि हम देश के सबसे 5% में से हैं। ये स्थिति जो है, घुटना टिका दिया मोदी जी ने, इस महान देश को जो है उन्होंने जो है सचमुच में पानी पिला दिया। तो इसी शब्दों के साथ फिर एक और बहुत ही यही है, कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, नहीं तो एक, हाँ कोई सवाल बता दीजिए, किसी को कोई सवाल करना हो तो।
सवाल नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा दिल से, बेरोजगारी, गरीबी सचमुच में खतरनाक स्थिति में है। यू नो, धर्म के नाम पर, आपने हिंदी अखबार पढ़ा होगा, वो तो प्लस हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में है। बेरोजगारी के बारे में चर्चा कीजिए, गरीबी के बारे में चर्चा कीजिए, अगर देश को सचमुच में इस नफरत से बचाना है और देश को बचाना है। सॉरी, एनी क्वेश्चंस?